जहां मुजफ्फरपुर जिले के हरिशंकर मनियारी पंचायत नवनिर्वाचित मुखिया देवेंद्र मांझी शिक्षा को लेकर जागरूक हुए। हरिशंकर मनियारी पंचायत के स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बिहार राज्य के द्वारा शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रहते हैं। हमारे बच्चे कल के भविष्य है। शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षित हो तो तभी विकास कर पाएंगे। स्कूल में जाकर उन्होंने पाया कि बच्चे बच्चियां पूछे जाने पर कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा का लेचर व्यवस्था है। शिक्षकों के ऊपर भी कभी खर्च किया जाता है, फिर भी हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं। आइए आपको स्कूल की स्थिति से रूबरू कराते हैं। हमारा भारत देश शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके और आज का जो भविष्य है वह कल और बेहतर बन सके। इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं राजकीय मध्य विद्यालय सिलौत। सिलौत में है मुखिया जी हैं। आज मुखिया जी ने स्कूल का दौरा किया, जानना चाहा कि इस स्कूल की क्या स्थिति है, बच्चों कितने शिक्षित हो चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो इंक्वायरी किया, इन्होंने जो मैंने किया है, क्या निकला, क्या स्थिति है इस स्कूल की और यहाँ के शिक्षा का क्या स्तर है, जबकि सरकार के द्वारा, बिहार सरकार राज्य के द्वारा करोड़ों रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। आइए बात करते हैं इनसे, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ देवेंद्र मांझी और अभी हम वर्तमान में हरिशंकर मनियारी पंचायत के मुखिया जी हुए हैं। और अभी जो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, यह सिलौत बिमल गांव है और इसी गांव में राजकीय मध्य विद्यालय सिलौत जो स्कूल है, यह आठवां तक यह स्कूल है जी। तो इस स्कूल में आज हम आए हैं स्कूल को जांच पड़ताल करने जी। तो आज जब जांच पड़ताल के दरमियान जब मुझे पता चला, जब आए तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात किए, तो सवाल जवाब किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट फेलियर रहा जी। क्योंकि ये जो पढ़ाई लिखाई का जो स्थिति है वो मुझे, यहाँ का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है जी। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो देश है, यह देश में जो गवर्नमेंट है जो शिक्षा पर अधिक खर्चा करती है, शिक्षा स्वास्थ्य पर, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े जो मंत्री मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, यह सभी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर बने। तो अभी वन क्लास और टू क्लास में गए तो अभी तक सही से बच्चा को गांव का नाम भी पता नहीं है। ये जो कख नहीं आता है, पोस्ट पूछे पोस्ट भी नहीं बताया, जबकि हमारा जो सरकार है वह शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उन पर वो 8 से 9 हज़ार तक का उसका तनख्वाह मिलता है, लेकिन सरकारी स्कूल का जो टीचर है उनको कम से कम 40 हज़ार 45 हज़ार 50 हज़ार का जो वेतन मिलता है, जो टोटल पब्लिक का पैसा होता है और पब्लिक के बच्चे ही स्कूल में पढ़ते हैं, जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये खर्चा होता है और सही से पढ़ाई नहीं होता है तो जांच पड़ताल करके गवर्नमेंट को इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो मैं आप जैसे अभी आपने आए हैं, देखे हैं, तो बच्चे का पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा हुआ है, तो क्या लगता है यहाँ टीचर की कमी हो या टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आपको लगा? नहीं, टीचर को तो कमी नहीं है, टीचर बहुत थोड़ा सा टीचर के कमी होगा, लेकिन अगर जो जिस तरह से तनख्वाह मिलता है उस तरह से अगर पढ़ाई लिखाई हो तो बच्चा का जो भविष्य है अच्छा भविष्य होगा। तो क्या लगता है कहाँ कमी नज़र आती है आपको? कमी है कि जो टीचर है वो सही से नहीं पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। तो बहुत ही मुझे इस बात का दुख है कि हमारे ही पैसा से इस देश का सारा चीज़ चलता है, लेकिन हम जब खर्चा की बात आती है कि बच्चे पर खर्चा हो तो वहाँ पे माने जो टीचर हैं वो सही से नहीं पढ़ाते हैं। इसके लिए हम जहाँ तक हो हम एक आवेदन लिखेंगे, शिक्षा विभाग को लिखेंगे, यहाँ के कलेक्टर के लिखेंगे, सभी को एक आवेदन लिखेंगे। आपने मिड डे मील जो चल रहा है बच्चों के लिए, सरकार के द्वारा मिड डे मील बनाया गया है, तो आप उसका इंक्वायरी कर क्या मिला उसमें, सब कैसा पूछ? मिड डे मील तो अच्छा लगा, लेकिन मिड डे मील को लेकर के ज़्यादा खास हम बात नहीं किए हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है शिक्षा को लेकर के हम बात किए हैं बच्चे लोग से। सभी बच्चा फेलियर रहा, सही से ना नाम क्या कहते हैं, ना गांव का नाम, ना पोस्ट का नाम, ना थाना का नाम, ना जिला का नाम, ये सब में फेलियर रहा बच्चा। और एट क्लास के एक स्टूडेंट से पूछे कि ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं, वो नहीं बता पाया, तो यह बहुत ही दुख की बात है। देखिए ये आए हैं अपने पंचायत में, हरिशंकर मनियारी पंचायत। कुमार, घर कहाँ है? सिलौट। पोस्ट? पोस्ट
पोस्ट ना है पता, पोस्ट सिलौत है। देखिए अभी पोस्ट भी पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई का यह हाल है। थाना कहाँ है? मनियारी। जिला? मुजफ्फरपुर। किस राज्य में रहते हैं हम लोग? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। किस देश में रहते हैं? बिहार। बिहार देश में। बच्चा बता रहा है कि हम लोग बिहार देश में रहते हैं। कौन क्लास में है? छठा। सिक्स क्लास के स्टूडेंट है। सिक्स का स्पेलिंग अबै छो? ए बी सी डी आता है? ए बी सी डी भी नहीं आता है। एलिफेंट माने क्या होता है? एप्पल माने सेव। बनाना मिस देखिए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार के जितने भी स्कूल है, स्कूल पर माने अधिक से अधिक खर्चा करते हैं। खर्चा इसलिए करते हैं कि हमारे देश का जो बच्चा है वह भविष्य है। लेकिन हम अभी जांच में आए हैं, जो सिलौत विमल जो स्कूल है, इस स्कूल में आए हैं तो पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट से हम पूछे हैं, सवाल किए हैं, इक्का दुक्का के छोड़ करके सभी स्टूडेंट मैंने नहीं बता पाया है। हमारा जो सवाल का जो जवाब है वो नहीं बता पाए हैं। तो मुझे बहुत दुख है कि हमारा जो गवर्नमेंट है खर्चा करता है, लेकिन हमारे जो जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, वो नहीं हो पाता है। कहाँ कमी नज़र आ रही है, कहाँ कमी है? मुझे देखने को मिलता है कि 6,000 के महीना पर जो टीचर पढ़ाते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, मात्र उसका मंथली होता है 6,000 से 7,000, 8,000, और वहाँ से जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है एक टीचर पर 25,000, 30,000, 40,000 खर्च करती है, लेकिन ये जो हमारा जो स्कूल का जो बच्चा है वो सही से नहीं पढ़ पाता है। आप अभी इस स्कूल में आए हैं तो क्या विधि व्यवस्था क्या है, क्या रहन सहन है बच्चों का, क्या अभी जो हम आए हैं, अभी हम एक आवेदन लिखेंगे अपना पैड पर, जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, कलेक्टर हो उनके बाद, इसके बाद जो शिक्षा पदाधिकारी हो, माने जो भी पदाधिकारी है, उनको हम एक लेटर लिख करके हम देंगे। हम इसीलिए आए हैं, मतलब शिक्षा की स्थिति अच्छा है। हाँ, शिक्षा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इसलिए शिक्षित होकर ही आदमी विकास। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे आज के बच्चे कल के भविष्य। जी जी, तब हमारा देश आगे बढ़े। जी, इन सब पर कराकर आपकी पहल अच्छी पहल है। जी, आप अगर शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है आपकी। चलिए, धन्यवाद आपका। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ, हरिशंकर मनियारी पंचायत के वर्तमान में मुखिया हूँ। मेरा नाम हुआ देवेंद्र मांझी। क्या लगता है आप पूरे पंचायत में आप इसी तरह से स्कूल में? जी जी, मेरा पहल रहेगा कि कोशिश रहेगा, करेंगे कि पूरे पंचायत में स्कूल विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जी जी। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।